हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी अर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं, गठिया रोग से पीड़ित हैं, यानी आपको ज्वाइंट पेन की समस्या हमेशा बनी रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है या हड्डियां कमजोर हो गई हैं, या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपका शुगर लेवल जो है कंट्रोल नहीं रहता है, हाई बीपी की समस्या है, हमेशा आपकी रक्तचाप जो है बढ़ी ही रहती है, या आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, पाचन संबंधी कोई बीमारी है, या आपको हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है, आपका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, मोटापा की समस्या से परेशान है, या कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, हमेशा आपको कमजोरी थकान की समस्या बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा बताने वाली हूँ, यानी कि एक ऐसे सीड्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको इन सभी समस्याओं से यानी कि इन सभी बीमारियों से 100% छुटकारा मिल जाएगा। वो सीड्स क्या है, किस किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस तरीके से ये वर्क करता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मैं जिस सीड्स के बारे में बात कर रही थी उसका नाम है चिया सीड्स, और आप सभी ने चिया सीड्स का नाम सुना ही होगा। यह देखने में जो है काले कलर का छोटे छोटे दाने में होता है, जो कि देखने में आपको काले वाली जो तिल होती है उस तरीके से आपको दिख सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चिया सीड्स है आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और आजकल इसका ज्यादातर प्रयोग वजन को घटाने के लिए किया जा रहा है, बहुत ही जोर शोर से किया जा रहा है। क्योंकि चिया के बीज में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि पेट और आंतों में जमा चर्बी को पिघलाकर या जला देते हैं, इसकी मदद से आपका वजन भी नहीं बढ़ता है और आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगती है। चूंकि ये जो बीज है कैलोरी में कम और हाई डिसेंट्री लिपोप्रोटीन में उच्च होते हैं, और हाई डिसेंट्री लिपोप्रोटीन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो रक्त से कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करता है और इसे वापस यकृत में ले जाता है, और इससे शरीर में चर्बी का जमा होना बहुत ही कम हो जाता है। तो आप चिया सीड्स का प्रयोग किसी भी लिक्विड चीजों के साथ मिलाकर कर सकते हैं, इससे जो है भूख को शांत करने में काफी मदद मिलती है, और इससे इंसान को भूख जल्दी जिससे नहीं लगती है, पेट भरा भरा लगता है, और इसमें जो है प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपको अंदर से ताकत भी फील कराता है, और इसमें कैलोरी कम होती है, वसा कम होती है जो कि आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को पिघलाने का काम करता है। तो आप इसका प्रयोग पानी के साथ भी कर सकते हैं। वैसे किस तरीके से करना सब कुछ जो है मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो ज्वाइंट पेन की समस्या से परेशान यानी गठिया रोग के पेशेंट हैं, साइटिका के पेशेंट हैं, उनके लिए काफी रामबाण इलाज की तरह काम करता है, क्योंकि जो है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है, और अल्फा लिनोनिक एसिड यानी कि AAL ओमेगा 3 जो कि जोड़ों और धमनियों में सूजन और दर्द को कम करता है। और अध्ययन के अनुसार पता चला है कि एक दिन में अगर 4 ग्राम चिया सीड्स का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी गठिया को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलती है, यानी कि ज्वाइंट पेन की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो अगर आप चिया सीड्स का प्रयोग करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहेगी, ज्वाइंट पेन की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जो चिया सीड्स है आपके हृदय संबंधी बीमारियों को दूर करने का काम करता है, क्योंकि चिया सीड्स दिल की बीमारी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और मैं आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चिया सीड्स जो है हाई डिसेंट्री लिपोप्रोटीन यानी कि HDL जिसे कि हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसके स्तर को बढ़ाने का काम करता है। और यह जो है HDL जो है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी कि लो डिसेंट्री लिपोप्रोटीन यानी कि LDL की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चिया सीड्स का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL के स्तर को कम करने का काम करता है, जिससे आपका जो खून है बिल्कुल ही साफ हो जाता है। खून साफ होने की वजह से आपका रक्त अच्छे तरीके से होता है, जिसकी वजह से आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं आती है, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज नहीं आती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं होते हैं। और यह जो है आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी को पिघलाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका वजन जो है सही बना रहता है। जब वजन सही बना रहता है तो कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है, और इस वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर आप चिया सीड्स का प्रयोग करते हैं तो आपको आपका जो हृदय है बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है। इसके अलावा जो चिया सीड्स है मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये आपके शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है, इंसुलिन की मात्रा को कम करता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो है नियंत्रित रहता है। तो अगर आप चिया सीड्स का प्रयोग करेंगे तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चिया सीड्स का प्रयोग आपको किन किन तरीकों से करना है, यानी कि किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए आप चिया सीड्स का प्रयोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं उसके लिए एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स ले लीजिए। एक बोतल या एक गिलास पानी में आप इसे भिगो कर रख दीजिए। इसमें एक नींबू का पतला सा टुकड़ा यानी कि स्लाइस ले लीजिए,
इसे भी डाल दीजिए और इसे एक घंटे तक रखिए। फिर इस डिटॉक्स ड्रिंक का प्रयोग कीजिए आप डेली सुबह में खाली पेट। इससे जो आपका वजन है बहुत ही तेजी से कम होने लगेगा, यानी कि जो आप बेली फैट की समस्या से परेशान है, अपने पेट की चर्बी को भी कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। बेली फैट को बहुत ही तेजी से रिड्यूस करता है और ये आपको डिटॉक्स भी रखेगा। आपकी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा फील होगी जब इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है। और अगर आप चिया सीड्स के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग सलाद में कर सकते हैं। फल या सब्जी के जब प्रयोग कर रहे हैं उसमें आप चिया सीड्स को छिड़क दीजिए और इसका प्रयोग आप इस तरीके से सलाद में कर सकते हैं, सब्जी में कर सकते हैं। क्योंकि सलाद में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, वैसे भी चिया सीड्स में फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी कब्ज की समस्या को दूर करने का काम करता है। जो कंस्टिपेशन की समस्या से परेशान रहते हैं, जिनको सोच जो है अच्छे तरीके से नहीं होती है, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ही कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा आप चिया सीड्स का प्रयोग ओट मील के साथ कर सकते हैं, यानी कि दलिया के साथ, क्योंकि दलिया जो है बहुत ही अच्छा नाश्ता माना जाता है मधुमेह के रोगियों के लिए। तो दलिया में थोड़ी मात्रा में आप चिया सीड्स को छिड़क दीजिए और इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो है आपकी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, यानी कि आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा। यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, चिया सीड्स का प्रयोग दलिया के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चिया सीड्स का प्रयोग जो है दूध के साथ मिलाकर इसका ड्रिंक बना सकते हैं। आप इसका प्रयोग दही के साथ भी कर सकते हैं। दही में चिया सीड्स को मिक्स कीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर मिक्स कीजिए और फिर इसका प्रयोग कीजिए। खाने में टेस्टी भी लगेगा और आप इसका प्रयोग लंच में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप फल खा रहे हैं, जैसे कि सेब, केला, आम या इस टाइप का अगर फल खा रहे हैं, इसमें काटकर चिया सीड्स को मिला लीजिए। इससे आप जो है टॉपिंग भी इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और खाने में टेस्टी भी लगेगा। तो इस तरीके से भी आप चिया सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पानी बनाने का बात बताई, तो इस तरीके से आप एक से दो चम्मच जो है चिया सीड्स को एक गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। कम से कम आधे घंटे तक आपको भिगोना है, क्योंकि इससे जो है चिया सीड्स की जो कंसिस्टेंसी है वो सही हो जाती है। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब ये फूल जाती है तो ये थोड़ा सा जेली टाइप में हो जाती है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी बन जाता है। तो आप इस तरीके से जो है चिया सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बता दिया है कि चिया सीड्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए चिया सीड्स का प्रयोग किया जा सकता है और किस किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ एक सीड्स का प्रयोग करके आप किन किन बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और जो भी बीमारी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया, वो 100% ठीक हो जाएगा अगर आप चिया सीड्स का प्रयोग करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो आज से ही आप चिया सीड्स का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।